fortunately with a film like Finding Fanny, I think the entire film has been memorable. We were all there for about 30-35 days, and I think every day was special, you know, because we never knew what to, we didn't know what to expect. Every day we'd go as a unit, we'd shoot together, we'd come back together, we would have dinner together, we would sit by the poolside together, prepare for the next day together. Everything that we did together. In fact, so much so that by the end of the film, we started missing each other. Jo bhi picture dekhe, we value each and every person's reaction, because that's what we're making a film for, to get to entertain people, to know what they feel about it. We hope they enjoy it. We would expect each and every person who watches it to be honest and enjoy it for the effort we put in. This is a unique film in that sense. It's not conventional. It's not told in a typical routine. There is something unique about it. So we hope our friends and people who watch it on 12th of September and the media encourages the film and enjoys it. Yeah, I think Homi ka ek bahut hi distinct characteristic hai, jis tarah se wo filmein banate hain. Bahut hi alag hatke director hai, I think. And jo space unhone capture kiya hai, wo bahut hi अच्छा है. एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू सी जिस तरह से शेख और भूटिया को पिक्चराइज किया गया है, उन सबको एक एम्प्टी डॉल हाउस के सामने डालकर जो रिएक्शंस मिले हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत पसंद आई. मुझे पब्लिसिटी डिज़ाइन इस फिल्म की बहुत पसंद आई. इसकी कहानी मुझे पता है, इसका गाना बहुत पसंद आया, और जिस जोश के साथ ये फिल्म बनी है वो मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहा है. थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है इसकी पब्लिसिटी को, और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि ये अच्छी फिल्म हो और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है. आई मीन आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट इन दिस कैपेसिटी, सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई डिड इट. क्यूट सा है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, और आता है जाता है पता भी नहीं चलता है. आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरा नाम भी जुड़ गया इस फिल्म से. बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू सी नसीर साहब एंड पंकज जी टुगेदर. आई थिंक दे वर्क टुगेदर आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स, एंड दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग फॉर मी. ऑफकोर्स प्रोमोज अच्छे लगे और अलग लग रही है फिल्म, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. आई थिंक द प्रोमोज हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी. बहुत ही हटके दिख रही है, एंड आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट इन द वेन ऑफ समथिंग लाइक अ Delhi Belly. You know, I mean, it's a pretty experimental film in that sense that it is in English, and I know it's going to be dubbed in Hindi as well. But it's great that such movies are being made, and it's got a spectacular cast. It's been promoted really well, so looking forward to it. मैं बहुत curious हूँ क्योंकि पहले ये English film है, English language film है, तो पहली बार मैं मतलब इतनी commercial film English language में देखी हूँ, और बहुत खूबसूरत images है, बहुत अच्छी गाने हैं, तो I'm very excited. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने ट्रेलर देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ऑफ कोर्स डीनू और होमी की जो जोड़ी है वो कमाल की. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस. बहुत ही बेहतरीन फिल्म होने वाली है ऐसे मैंने सुना है, और मैं देखना चाहता हूँ. मेरे काफ़ी दोस्त है इस पिक्चर में, जैसे कि अर्जुन कपूर, एक ही दोस्त है सॉरी मैं, और बाकी बहुत सीनियर लोग हैं इंडस्ट्री के, तो उनको देखना चाहता हूँ. और हाँ, ये भी है हमारे दोस्त अर्जुन के भाई मोहित. अर्जुन के लिए आए हम यहाँ पिक्चर देखने. अर्जुन हम लोग बेसिकली अर्जुन कपूर को सपोर्ट करने के लिए आए. नहीं, मैं दीपिका पडुकोण के लिए. क्या बात है, तू भी आया ऐसे में. बहुत हम लोग दीपिका को देखने आए एक्चुअली. ये जो बट वाला डांस करते हैं ये, तो वो फिल्म में देखने से आई थिंक मजा आएगा. या आई थिंक ये सब कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. द वे दैट प्रोमो में दिखाया जा रहा है, इट्स लुकिंग वेरी, एवरीवन इज लुकिंग वेरी डिस्टिंक्ट, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मैं बहुत क्यूरियस तो हूँ, बट आई एम ऑल्सो मतलब मैं होमी के लिए बहुत खुश हूँ, और अर्जुन के लिए, और सबके लिए जो भी फिल्म में इन्वॉल्व हैं. एंड आई थिंक इट्स गोना बी फन. आई थिंक मज़ा आएगा फिल्म. आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. आई थिंक आई बीन वेटिंग फॉर दिस फिल्म टू रिलीज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड डीनू इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड, सो been waiting for him to release the film, and I'm extremely excited. This is my kind of film. I like watching this kind of film, and I'm excited for the entire team, and I don't think I need to wish them luck because I think it's a beautiful film. I think it's amazing. Mujhe lagta hai ki iska promo bahut alag hai. Bahut hi clutter breaking film hone wali hai. Hum kafi English film mein Hindi mein dekhte hain, pehli baar Hindi film English mein dekh rahe hain. Bahut kam aisa dekhne ko milta hai, and promo acche hai, gaane kafi unique hai iske, and apart from that ek iska spoof bhi bana tha. Who the F is Fanny? वो बड़ा कूल है यार, I really love it. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. प्रोमोज बहुत ही फैंटास्टिक है, इसके गाने बहुत अच्छे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस. सीन द ट्रेलर एंड आई थिंक लाइक ऑल हिज फिल्म्स होमीज, दिस इज गोना बी द एक्साइटिंग वन. एंड आई थिंक इट जस्ट टेक्स यू नो बोथ द होल स्टाफ कास्ट इज लुकिंग गुड, स्पेशली अर्जुन एंड दीपिका.
And I think it's just like, it's going to take Indian cinema another top notch, you know, being Cyrus for Slab, Cocktail for Slab, and this is something I'll take further away. ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को. डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज.